बतूल, ये चीज जो मैम लीना ने अभी बताई, अगर आपको हम दिखाएं, इंशाल्लाह आप जब इसको देखेंगी ना हमारे यूट्यूब पर जब आ जाएगा तो आपको अंदाजा होगा। हम ये कह रहे हैं कि जो शॉट्स खेली मैक्सवेल ने वो सिर्फ प्लान थी और बड़ी कनिंग थी और बड़ी चालाकी के साथ। ये काम हम भी कर सकते हैं, हम करते नहीं है, हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, देखे ना, ये सारी चीज आती है आपके माइंडसेट से, कि आपका माइंडसेट उस वक्त आपको क्या डिलीवर कर रहा है, आप जो आप मैच की सिचुएशन को किस तरह अडॉप्ट करते हैं। वो उसने बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट की, अगर आप मैक्सवेल को देखें कि उसने जिस तरह के, कहीं से भी आप उसकी शक्ल पे देख सकते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से उसको नहीं पता चल रहा था कि वो इतने बड़े टारगेट को कितनी आसानी से चेस कर रहा वेल है। सेड, मतलब कहीं से भी उसको नहीं पता चला, कोई ये घबराहट बात उसके है। चेहरे पर नहीं थी। बॉडी अगर आप उसको आप गौर करें मेंटली तो कोई स्ट्रांग, घबराहट उसके चेहरे पर नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई उसने ऐसी शॉट नहीं मारी। हालांकि कितनी मुश्किल इनिंग थी, कि जहां पे दूसरा प्लेयर है पैट कमिंस, उसकी भी बड़ी तारीफ की बात है कि उसने 10 ओवर खेल दिया और सिर्फ 12 रन बनाए, उसकी भी बड़ी बात है। मतलब दूसरा सामने वाला प्लेयर से भी आपको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही कि कोई एक बाउंड्री लगा सकता है, वो सिर्फ रोक ही सकता था। कहीं पे आपकी सूरत हाल आपकी, आप अगर देखें, देखा होगा तो ये इतनी हो गई थी कि अगर वो इधर से बाउंड्री लेता था तो वो बेचारा उधर से विकेट सेव करने के लिए पूरा ओवर भी डॉट बॉल का खेल जाता। तो मतलब इतनी मुश्किल सूरत हाल में आपको कहीं भी नहीं नजर आएगा कि वो कोई परेशान है या कहीं से उसने कोई उल्टी सीधी शॉट खेलने की कोशिश की। वो जिस फ्लो में खेलता जा रहा था उसी में खेलता गया, और ये एक अच्छी चीज है, और इसीलिए उसने पूरा मैच फिनिश कर दिया।